नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। महुआ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से आयोजित वर्चुअल संवाद में महुआ के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं जदयू कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखा गया। महुआ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से आयोजित वर्चुअल संवाद में महुआ के हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए। मुख्यमंत्री को सुनने के लिए उत्सुक जदयू कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा गया। वर्चुअल सम्मेलन के लिए विशेष गूगल मीट ऐप कोड, वेबसाइट और नंबर सभी को पूर्व में उपलब्ध करा दिया गया था। वहीं संत जॉन्स एकेडमी परिसर में भी विशुनपुर हीराराम उर्फ पहाड़पुर पंचायत के लोगों की सुविधा के लिए परिसर में स्मार्ट टीवी लगाया गया था, जिसमें पंचायत के करीब 1000 से ज्यादा लोगों ने वर्चुअल संवाद रैली को देखा। इस मौके पर जदयू कार्यकारिणी के सदस्य सह महुआ विधानसभा के जदयू संभावित प्रत्याशी जागेश्वर राय ने कहा कि महुआ के विभिन्न जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हजारों की संख्या में जदयू के सभी स्तर के कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन जुड़कर मुख्यमंत्री का संवाद सुना और देखा। जागेश्वर राय के द्वारा महुआ विधानसभा के सभी 36 पंचायतों के साथ महुआ नगर पंचायत के सभी 16 वार्डों में स्मार्ट टीवी की व्यवस्था की गई थी। वहीं जदयू कार्यकर्ताओं ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास ही विकास हुआ है। इस कार्यक्रम में उपस्थित स्थानीय लोगों ने स्थानीय प्रत्याशी की भी मांग कर दी। इन लोगों का कहना था कि बाहरी प्रत्याशी जीत कर जाने के बाद एक बार भी क्षेत्र में घूम कर नहीं आते, इसलिए स्थानीय प्रत्याशी की मांग की है। वहीं लोगों ने एक स्वर में आवाज को बुलंद करते हुए बाहरी भगाओ स्थानीय लाओ का नारा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। प्रोग्राम हो गया, आप देख रहे हैं कि आज जो मुख्यमंत्री जी बोले हैं वो ऐतिहासिक बात बोले हैं। 15 सालों का जो लालू राबड़ी सरकार का जो उपलब्धियां था, क्राइम, कम्युनिज्म, बलात्कार, राजनी, इसके बारे में उन्होंने तुलना किया कि 15 साल में जो ग्राफ गिरा है, जैसे अपहरण का है तो 23वां पोजीशन पर है आज बिहार, पहले दूसरा पोजीशन पर था तो हम लोग 23वां पोजीशन पर गए। 34 स्टेट में हम लोग 23वां पोजीशन पर गए। तो 15 साल में करीब करीब 20% का गिरा है ग्राफ, क्राइम का, राजनी का, डकैती का, उसके बाद आपका जो लूट खसोट जो होता था उस पर भी बहुत नीचे आया है। आज मुख्यमंत्री जी का जो बयान था वो बयान तीन चीजों पर ज्यादा आकर्षित कर रहा था, लालटेन युग से लेके बिजली युग तक। आज हम देख रहे हैं कि बिजली का, जैसे लालू जी का जब सरकार हुआ करता था उस समय बिजली किसी के घर में आती थी या लोग पोल पर देख लेता था कि बिजली है तो दौड़ के घर में जाता था, कहता था कि बिजली आया, बिजली, पंखा खोलो, फ्रिज खोलो, टीवी खोलो, उसका आनंद लेने के लिए परेशान होते थे। आज क्या स्थिति है? आज आप लोग देख रहे हैं कि बिहार में बिजली अगर आधा घंटा के लिए कटती है तो मैसेज जाता है मोबाइल पर कि आज बिजली आधा घंटा के लिए ड्रॉप होगा। तो बहुत सारा, आप आज रोड का स्थिति देख लीजिए, हम लोग हाजीपुर से महुआ, आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि ये जो COVID-19 है उसका प्रकोप, जो वैश्विक महामारी है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे संसार में, वो बहुत फैल गया है। और अभी रैली महारैली होते रहता है क्योंकि इलेक्शन अब नजदीक आ गया है, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होना है। तो हम लोग अपने वर्कर को बूथ लेवल तक कैसे मोटिवेट करें और हम अपनी बात को कैसे अपनी जनता के बीच पहुँचाए बिना गैदरिंग किए हुए, इसके लिए उन्होंने मेन फोकस दिया है।